रफी शकर जो है वो आउट एंड आउट एक कॉमेडी है और ये फिल्म की एक यूएसपी है जो मैं सबको कहना चाहूँगा, हर एक ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड में पहले ऐसा कॉन्सेप्ट कभी नहीं आया कि जहाँ पर दो जवान लड़कों की शादी या दो 22-23 ईयर्स ओल्ड लड़कों की शादी मिडिल एज वुमेन के साथ हो जाती है जो अर्चना पूरन सिंह और मीता विशिष्ट है। हमारी फिल्म के अंदर जो है हमारी मेरी और यूडी की शादी अर्चना पूरन सिंह और मीता विशिष्ट के साथ हो जाती है जबकि हमारा प्यार चल रहा है नौहीद और निशा के साथ। तो अगर आप कोई भी फिल्म उठा के देखेंगे बॉलीवुड की हिस्ट्री में तो ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया है। फिल्म जैसे आप पोस्टर को देख के आप जान जाएंगे कि एक कॉमेडी फिल्म है, एक मज़ेदार एडवेंचर है दो लड़कों की जो शादी करना नहीं चाहते हैं, घर से भाग जाते हैं और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उनके साथ क्या क्या होता है और हमेशा कुछ करना चाहते हैं कुछ और हो जाता है अपने आप को, मतलब दे कीप डिगिंग देमसेल्व्स डीपर इनटू अ होल और किस तरीके से एंड में हैप्पी एंडिंग, दे किस द हीरोइंस, दे आर ऑल हैप्पी। एन आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि फिल्म का फर्स्ट सीन से लेकर एंड सीन तक अगर किसी ने भी बताया कि इस सीन में कॉमेडी नहीं है देन आई विल रिजाइन एज अ डायरेक्टर राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। इट इज कॉमेडी, देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमर, बहुत कॉमेडी है, बहुत ह्यूमर है, इमोशंस हैं, एक्शन है, रोमांस है, तो इट्स अ टिपिकल आप कहेंगे कि कॉमेडी, मसाला कॉमेडी। No, actually, I'm as young as I am. हम लोग शादी करते हैं दो elderly ladies के साथ जो कि इस फिल्म में मीता वशिष्ठ और अर्चना जी, दे आर द कैरेक्टर्स। काफ़ी मज़ेदार सीन्स हैं उन लोगों के साथ जब ये दो लड़के जो शादी करना नहीं चाहते हैं लेकिन एक हादसे की वजह से उनको इन लोगों से शादी करना पड़ता है और किस तरीके से वो लोग इनको मारना चाहते हैं वही कहानी है। इट्स जस्ट अ फनी एपिसोड ऑफ मैड थिंग हैपनिंग। सब गाने बहुत बढ़िया हैं एंड जो भी जितने भी पिक्चराइज किए हम लोग ने, कमाल के पिक्चराइज किए, नो मतलब किसी में कमी नहीं छोड़ा हम लोग ने। जहाँ पे सेट्स चाहिए था वहाँ पे सेट्स यूज किए हम लोग ने और जहाँ पे मैक्सिमम जो गाने हैं जो फिल्म में जो गाना चाहिए था उतना। इसके अंदर म्यूजिक दो लोगों की है, एक ललित पंडित जी की है और एक सिद्धार्थ सुहास की है। ललित पंडित जी ने इसमें दो गाने दिए, सिद्धार्थ सुहास ने एक गाना दिया है। म्यूजिक आज की है, दो गाने जो इसके अंदर आप देखेंगे स्पेसिफिकली वो आज की म्यूजिक है और बाकी एक गाना जो देखेंगे वो टिपिकल आप कहेंगे ना कि मासिस की म्यूजिक है उसके अंदर। तो हमारे जो गाना है वो अर्चना जी, मीता जी, मेरे, नौहीद, निशा, यूडी सबके बीच में, और बाकी के दो जो गाने हैं वो सिर्फ मेरे, यूडी और नौहीद, निशा के ऊपर है। तो वो यूथ गाने हैं, हिप हॉप गाने हुए, टेक्नो ट्रैक्स हुए, इस तरह के हैं और बाकी एक सिचुएशनल गाना जो है वो हम खेओ के बीच में है। Log on to www.erosentertainment.com.